क्वेश्चन नंबर 11, तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर क्वेश्चन है ये, देखते हैं क्वेश्चन। अ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm एंड यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻¹ⁱ कैरी द लोड ऑफ मास m। तो ये वायर है जिसका डायमीटर जो है अपने को 0.5 mm दे रखा है और इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻¹ⁱ ऐसा यूनिट, ठीक है। अब द लेंथ ऑफ द वायर विद द लोड इज 1 मीटर, यानी कि इस लोड के साथ इस वायर की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। अ वर्नियर स्केल विद 10 डिविजन्स इज अटैच टू द एंड ऑफ दिस वायर। एक वर्नियर स्केल को अटैच किया पर मैं उसके साथ डायग्राम नहीं बनाया हूँ क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। आगे एक सेकेंड, और क्या लिखा है भाई। नेक्स्ट टू द स्टील वायर इज द रेफरेंस वायर टू विच अ मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm इज अटैच्ड। तो मेन स्केल की लीस्ट काउंट 1 mm है और 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड्स टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर यूज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर मतलब क्या होता है, 10 डिवीजन ऑफ द VSD इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, यही होता है। तो अच्छी बात है, नॉर्मल स्केल है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। आगे, इनिशियली द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो शुरू में कोई एरर वगैरह नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। शुरू में मतलब कब, जब इस एम मास लोड को लटका रखे हैं अपन, ठीक है, इस एम की वैल्यू नहीं दे रखा है, ध्यान देना। आगे, इफ द लोड ऑफ द ऑन द स्टील वायर इज इंक्रीज बाय 1.2 kg, लोड को 1.2 kg का बढ़ाने का मतलब जो टेंशन है मैं उसको 12 न्यूटन बढ़ा रहा हूँ, 1.2 × 10, ठीक है। तो पूछा है कि द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन इज व्हाट, ठीक है, ये सब वैल्यू दी हुई है। अब ठीक है, ये तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब समझते हैं भाई। अगर मैं लोड अटैच किया हूँ 1.2 का, तो ये लोड एक्स्ट्रा है, और रस्सी में क्या होता है, जितना एक्स्ट्रा लोड अटैच होता है उतनी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन उसमें आती है, ठीक है। तो मैं सिंपली ये मान सकता हूं कि एक वायर है जिसमें 1.2 kg का लोड है, ठीक है। अब लोड मतलब जो फोर्स है, टेंशन फोर्स, वो कितना हो गया, लोड इंटू जी, यानी कि एल इंटू जी लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, ये आ गया स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है यंग्स मॉडुलस के बराबर। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पर ये जो डेल्टा एल लिखा हुआ होगा, ये कब से है, ये रस्सी की नेचुरल लेंथ से लेकर फाइनल लेंथ का जो डिफरेंस है वो नहीं है, ठीक है। रस्सी ऑलरेडी पहले एम मास को लटका के रखी हुई थी, उसमें उसका कुछ इलोंगेशन था, पर उस इलोंगेशन के साथ 1 मीटर की लेंथ दे रखा, और इस 1 मीटर के ऊपर एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन आया है वो डेल्टा एल है। बढ़िया, और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ये एल इंटू जी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल, राइट साइड चले गया, ठीक है। तो इससे डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल जी बाय ए, और एल ऊपर चले जाएगा और वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो यार, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एल की वैल्यू अपने को 1.2 दे रखी है, जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.5 mm का डायमीटर है, तो 0.5 / 2 mm का हो गया रेडियस, उसका स्क्वायर, ये हो गया एरिया, इंटू यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻¹, ठीक, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, कोई खास बात नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी। इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.3 mm, ठीक है, 0.3 × 10⁻³ आएगा, तो वो मीटर में आएगा, पर उसको मैं एमएम में कन्वर्ट करके लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 0.3 mm। इस कैलकुलेशन को करते समय एक चीज का ध्यान रखना, 1/π है यहाँ पर, तो 1/π को डिवाइड कैसे करोगे, तो सिंपल सा तरीका है, 1/π को मतलब वो कैलकुलेशन करते समय बीच में आएगा, ठीक है,
क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाय पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई पाई मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे। अब पाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है उसको अपन 10 लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाई बाय 10, यानी कि 3.14 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा, 0.314। ये अल्टीमेटली कैलकुलेशन होगी, और उस 0.314 को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.3 mm मान लूंगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों सर, आप क्यों 0.3 मान लोगे उसको, कैसे पता चला आपको? क्योंकि भाई देखो ना, यहाँ पर जो मेन स्केल है उसके डिवीजन 1 mm है, और स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है भाई, 0.1 mm होता है, ठीक है। तो 0.314 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, यहाँ पर 0.3 mm ही काउंट कर सकते हैं अपन, क्योंकि लीस्ट काउंट 0.1 mm का है, ठीक। तो ये तो आ गया डेल्टा एल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर 0.3 mm का इलोंगेशन आ रहा है तो वर्नियर कैलिपर उतना नीचे चले जाएगा, ठीक है। शुरू में ऐसा मान लेता हूं मैं कि ये सिचुएशन, इसमें क्या हो रहा है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है, और दोनों का जो जीरो है ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। यहां पर अब यहां पर कितने डिवीजन है, यहां टोटल है 10 डिवीजन, सॉरी हाँ 10 है यहां पर, और यहां पे 10 है, पर इसके जो 9 डिवीजन है वो इसके 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब क्या होएगा, वायर जब इलोंगेट होएगा तो वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा ऐसे स्लाइड हो जाएगा। अब उसको मैं हॉरिजॉन्टली बना दिया हूँ, पर टेंशन नहीं लेनी है, एक्चुअल में ये वर्नियर कैलिपर कैसे अरेंज है, वर्टिकली अरेंज है, क्योंकि उसको इस रस्सी के साथ वर्टिकली जोड़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो कितना इलोंगेशन आया है, 0.3 mm का इलोंगेशन आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो शिफ्ट आया है कैलिपर में वर्नियर स्केल में, वो कितना आ जाएगा, 0.3 mm, ठीक है। अब अपने को बताना है कि भैया कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा देखना पड़ेगा, पता नहीं। तो मान लेते हैं कि nth nth डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा अभी सोचो। अब एक काम करो यार, वर्नियर कैलिपर को तो भूल ही जाओ, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के बारे में अगर बिल्कुल बेसिक नॉलेज, जैसे ये जो मैं स्केल का डायग्राम बनाया हूँ, एग्जाम में कुछ याद नहीं आया तो इतना तो याद जरूर आ जाएगा कि ऐसा दिखता है वर्नियर कैलिपर। उसके बाद ना मैं इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे देखो। जैसे अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, ये तो ये कितना है, 0.3 है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है वर्नियर कैलिपर की, ठीक है। उसको मैं या फिर ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा भी छोड़ो, मेरी बात समझो। मान लेते हैं कि nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो क्या होएगा, ये वाली लेंथ प्लस n, अब हो सकता है n 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, तो n इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कोइंसाइड कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर सोचो, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूँ, एस, ये मान लो कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या दिख रहा है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ मेन स्केल, ये क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल, और ये क्या लिखा हुआ है, 0.3। तो मैं बोल सकता हूँ ना, 3 टाइम्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल प्लस 0.3। अब यहां पर मैं 3 एग्जाम्पल ले लिया हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 की वैल्यू मेरे को पता है, मेरे को नहीं पता, तो एन होगी, कोई बात नहीं। तो क्या बोलूंगा मैं, एन मेन स्केल डिवीजन, एन इंटू मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एन इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस 0.3। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं किया हूं मैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया हूं, सिंपल लेंथ को इक्वेट किया हूं, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ, बट इस वाली लेंथ में दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये वाली जो कि 0.3 है, और एक ये वाली जो कि एन टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक। आगे कर लो भाई इसको सॉल्व, अब क्या 0.3 प्लस एन इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, स्टैंडर्ड है ये, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, तो 0.9 होता है एक डिवीजन, और मेन स्केल में डिवीजन तो 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0.3 इज इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस एन इंटू 0.9, ये 0.9 है ना, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू 0.1। सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल। अब वो मेरे को इसका एक आंसर पता था, तो मैं डायग्राम भी ऐसा बनाया हूँ कि तीसरा वाला कॉन्सेप्ट
कोइंसाइड कर रहा है, पर वो रियल एग्जाम में नहीं हो पाएगा, पर मैं यहाँ समझा रहा हूँ भाई, है ना। बस यार खत्म है ना, 3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ समझाने में लंबा है पर करने में उतना लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, क्या तुम लोग ये डायग्राम को बनाओगे रियल एग्जाम में? बिल्कुल नहीं बनाओगे, बनाना ही नहीं है, केवल इतना काम करना है ये वाला। और कुछ बच्चे तो इतना भी नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चों को तो सीधा ये याद होता है ये वाला, लेकिन मेरे को तो याद नहीं होता। तो मैं यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पहले लिखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। पर कुछ लोगों को ये सीधा भी याद रहता है, अच्छी बात है। वैल्यूज पुट करोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इतना लिखने के बाद अपने को पता चल जाएगा कि डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.3 mm है। अब ये डायग्राम बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे भाई, बनाएंगे भी तो बिल्कुल रफ एंड टफ बनाएंगे। कैसे रफ एंड टफ? कि भैया ये 1 ईयर के स्केल है और ये मेन स्केल, बिल्कुल रफ एंड टफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो समय नहीं लगेगा, और 1 ईयर कैलिपर की अगर ढंग से प्रैक्टिस होगी तो भाई फिर तो ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो, सीधा समझ में आ जाएगा। अगर 0.3 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका आंसर 3 ही है। क्यों? क्योंकि भाई मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm का है। तो 0.3 का डिफरेंस कब आएगा? जब 3 स्केल मैच करेंगे। ऑब्वियसली यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो दोनों का डिफरेंस, एक स्केल में डिफरेंस कितना है? 0.1, तो 3 में कितना आ गया? 0.3। तो ओरली भी कोई बता सकता है कि एन की वैल्यू 3, पर उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो ऑब्वियसली वो तो उतना अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे लोग उतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, बट फिर भी अगर नहीं आता है एग्जाम में उतना जो कि होता है, तो अपन इस तरीके से भी जा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक अप्रोच। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।